नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के हरिद्वार की। योग गुरु स्वामी रामदेव के पतंजलि वेलनेस सेंटर में यहां पर एक शख्स ने तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। सुबह के वक्त हुए यहां पर इस हादसे से पूरे पतंजलि योगपीठ में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश के कासगंज का रहने वाला 42 साल का राजीव कुमार पतंजलि वेलनेस में यहां पर इलाज के लिए पहुंचा हुआ था। राजीव कुमार पिछले लंबे समय से डिप्रेशन में चल रहा था। शुक्रवार सुबह से वक्त बताया जा रहा है राजीव कुमार ने छत से छलांग लगा दी, जिसके चलते उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सुसाइड की सूचना पाकर बहादुराबाद थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गोली ले लिए, जिसे उपचार के लिए प्रथम निर्देश किया जो है सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया। तो जैसा कि उसने पीड़ित ने बताया कि उसके एक मनोहर नाम की व्यक्ति ने गोली चलाई है। तो ये वहाँ पे इलाज के लिए आए थे और इनके द्वारा बताया गया था, इनकी जो फैमिली है, इनकी पत्नी भी साथ में थी, ये डिप्रेशन के मरीज थे, इनका इलाज भी चल रहा था, तो वेलनेस सेंटर में आए थे वही डिप्रेशन के इलाज के लिए। और चलिए बात लक्सर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर लक्सर क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस की तरफ से खुलासे भी किए जाने के बाद भी चोरों की यहाँ पर इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसा ही एक नया मामला लक्सर की सुल्तानपुर का सामने आया, जहाँ पर पुलिस प्रशासन होली का जश्न मना रहा था और चोर दुकानों का शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देने में लगे थे। मामला लक्सर की नगर पंचायत सुल्तानपुर का है, जहाँ पर बीती रात अज्ञात चोरों ने दुकान के शटर को तोड़कर बताया जा रहा है कि यहाँ पर करीब 20,000 रुपये पर हाथ साफ कर दिया। और इतना ही नहीं, चोर दुकान में रखे यहाँ पर दुकानदार का ATM कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड भी लेकर फरार हो गए। और चलिए बात हरिद्वार की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर हरिद्वार देश और साथ ही दुनिया में आध्यात्मिक नगरी के नाम से विख्यात है। देश दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और इससे विपरीत यहाँ पर होली के अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में मदिरामय हो गई है। करोड़ों की शराब बेची गई और इस बात पर हम यूं ही नहीं कह रहे, खुद आबकारी विभाग की तरफ से जानकारी आंकड़ों के हिसाब से दी गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर जिला आबकारी अधिकारी की तरफ से इस बारे में बताया गया, धर्मनगरी हरिद्वार में इतने बड़े पैमाने पर शराब का सेवन होता है, ये बात यहाँ पर आंकड़ों के हिसाब से कही जा रही है। जो हमारी देसी विदेशी मदिरा की दुकानें जनपद हरिद्वार में, इसमें पिछले होली के दो दिन पहले, तीन दिन पहले से जो बिक्री आई है वो लगभग दोगुनी बिक्री आम दिनों की अपेक्षा आई है, और जो कि लगभग 7 करोड़ की बिक्री आई है पूरे जनपद में। और इसमें लगभग 4.5 करोड़ के आसपास विदेशी मदिरा की, बाकी जो बियर और देसी शराब की है। और इसका परिणाम यह रहा कि हमने 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक विशेष अभियान चलाया था, जिसमें हमने करीब 26 मुकदमे दर्ज किए और करीब 700 लीटर कच्ची शराब बरामद की थी और लगभग करीब 7,000 किलोग्राम जो लहन नष्ट कराया था, दो दर्जन से अधिक भट्टियां नष्ट कराई थी। उसका परिणाम रहा कि ये पर्व जो है शांतिपूर्वक सम्पन्न हो गया है। और चलिए बात अल्मोड़ा की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में आजकल महौन से यहाँ पर भरोत खान के यहाँ पर बताया जा रहा है कि पनवादो खान तक हॉट मिक्स से यहाँ पर डामरीकरण का काम चल रहा है, जिसमें यहाँ पर मरचुला में जो है मोहान होते हुए यहाँ पर वर्किंग साइन पर भी डंपरों की तरफ से डामर सामग्री ले जाई जा रही है, लेकिन सारे नियमों को ताक पर रखकर डामर सामग्री ले जाने का काम किया जा रहा है। ओवरलोडिंग यहाँ पर जो है वाहनों में देखी जा रही है, ओवरलोड वाहनों से सरेआम बिना किसी डर से सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इन पर यहाँ परिवहन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके चलते कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कोई भी वाहन अगर ओवरलोड पाया जा रहा है तो उसके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है, वाहनों को सीज भी किया जाता है और प्रतिदिन जो है हमारी टीम उस पर चेकिंग करती है। और रामनगर से जो मोहान की बात है, वहाँ भी हफ्ते में कम से कम 3 दिन, क्योंकि एक ही टीम है जिसको चारों तरफ चेकिंग करने जाना है, लेकिन मोहान की तरफ और गर्जिया की तरफ मतलब हफ्ते में लगभग 2 से 3 दिन चेकिंग होती ही है। कोई भी वाहन अगर ओवरलोड पाया जा रहा है तो उसके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है, वाहनों को सीज भी किया जाता है और प्रतिदिन जो है हमारी टीम उस पर चेकिंग करती है।
और रामनगर से जो मोहान की बात है वहाँ भी हफ्ते में कम से कम 3 दिन, क्योंकि एक ही टीम है जिसको चारों तरफ चेकिंग करने जाना है, लेकिन मोहान की तरफ और गर्जिया की तरफ मतलब हफ्ते में लगभग 2 से 3 दिन चेकिंग होनी होती ही है। कोई भी वाहन अगर ओवरलोड पाया जा रहा है तो उसके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है, वाहनों को सीज भी किया जाता है। और से बात अगली खबर की करेंगे। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का 7 दिवसीय विशेष यहाँ पर शिविर जड़ी बूटी शोध संस्थान मंडल में शुरू हुआ है। जड़ी बूटी शोध संस्थान के प्रभारी और साथ ही वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सीपी कनियाल ने यहाँ पर बतौर मुख्य अतिथि और साथ ही पुष्कर सिंह बिष्ट ग्राम प्रधान मंडल ने यहाँ पर बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में दीप प्रज्वलित कर शिविर का यहाँ पर उद्घाटन किया। शुभारंभ अवसर पर खुद यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर सीबीओ ने भी सरस्वती वंदना और साथ ही स्वागत गान के यहाँ पर प्रस्तुत दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सीपी कुनियाल ने यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना की जो है स्वयं सेवियों को भी यहाँ पर राष्ट्र निर्माण और साथ ही व्यक्तिगत निर्माण में राष्ट्रीय सेवा योजना की यहाँ पर भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। और चलिए बात चमोली की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर चमोली जिले के नारायणबगड़ प्रखंड के ग्राम केवर तल्ला के यहाँ पर बहु कर्नल गीता राणा नेगी ने यहाँ पर पूर्वी लद्दाख में अग्रिम और साथ यहाँ पर दुरुस्त स्थान में यहाँ पर एक स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप के यहाँ पर कमान संभालने वाली पहली समय महिला अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है। इससे पूरे क्षेत्र में यहाँ पर खुशी की लहर देखी जा रही है। कर्नल गीता राणा नेगी के यहाँ पर इस उपलब्धि पर उनके गाँव केवर में खुशी का माहौल है। उनके परिवार से रिश्ते में यहाँ पर ससुर साथी नारायण बगड़ के ब्लॉक प्रमुख यशपाल नेगी, समाज सेवी डॉक्टर हरपाल सिंह नेगी, ग्राम प्रधान पुष्पा देवी, विधायक प्रतिनिधि दलीप सिंह नेगी ने यहाँ पर कहा कि गांव की बेटी की यहाँ पर इस असाधारण उपलब्धि पर गांव ही नहीं बल्कि पूरी देवभूमि उत्तराखंड का नाम उन्होंने रोशन किया। हमारी बहू गीता कर्नल बन गई है सेनानी सेवा में और हम सारे गांव वालों को सबने आपका स्वागत किया, सब यहाँ पर आए। बहुत धन्यवाद है आपके सेनाओं को भी आपको भी। लोग पहले तो सब बहुत खुश हैं कि जो भाभी है हमारी वो इतने बड़े पद पर पहुँची हुई है। धन्यवाद। ये बहुत गर्व का विषय है कि हमारी बहू गीता राणा चीन के नज़दीक पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप की कमांड करने वाली भारत सेना की पहली महिला अधिकारी बनी है और हमको बहुत प्रसन्नता है कि गीता राणा ने, कर्नल गीता राणा ने इतिहास रचा है। अपने गांव की तरफ से, अपने गांव के बुजुर्गों की तरफ से, महिला मंगल की तरफ से, युवक मंगल दल एवं अपने जिला की तरफ से कर्नल गीता राणा को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। हमारी बहू गीता कर्नल बन गई है सेनानी सेवा में और हम सारे गांव वालों को सबने आपका स्वागत किया, सब यहां पर आए। बहुत धन्यवाद है आपके सेनाओं को भी आपको भी। लोग पहले तो सब बहुत खुश हैं कि जो भाभी है हमारी वो इतना।
और शिवा लक्सर की करेंगे आपको यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष रुद्रदेव राणा के यहाँ पर नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन एसएसपी हरिद्वार को सौंपा, जिसमें यहाँ पर पथरी थाना क्षेत्र की पदार्थ स्थित यहाँ पर एक कंपनी में कार्यरत कर्मचारी को बिना किसी पूर्व सूचना की कंपनी से निकालने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया और वहीं कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की यहाँ पर मांग की है। आपको बता दें कि यहाँ पर 6 मार्च को होली के यहाँ पर छुट्टी के संबंध में पदार्थ स्थित यहाँ पर कंपनी की तरफ से एक नोटिस लगाया गया था, उसमें यहाँ पर छुट्टी दर्शाते हुए ब्रेक दिखाया गया, जिसके संबंध में यहाँ पर कंपनी में कार्यरत कुछ कर्मचारियों ने कंपनी प्रशासन से यहाँ पर इस संबंध में बातचीत की। प्रशासन ने यहाँ पर उन कर्मचारियों को कंपनी से निकाल दिया। और चलिए बात मध्य प्रदेश के विदिशा की करेंगे आपको, तो यहाँ पर विदिशा के नटूरन आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर 14 तारीख को राष्ट्रीय संयोजक और साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आगमन के संबंध में नटेरियन रेस्ट हाउस में यहाँ पर एक बैठक की गई। उसमें यहाँ पर कार्यकर्ताओं को बताया गया कि यहाँ पर 14 तारीख को अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं को यहाँ पर इकट्ठा होकर भोपाल भेल दशहरा मैदान पहुँचना है और वहीं तहसील कार्यालय पहुँच कर नायब तहसीलदार आनंद जैन को भी ज्ञापन सौंपा गया। महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर दिल्ली और साथ ही पंजाब में जो है जो वृद्धावस्था और साथ ही विधवा पेंशन दी जा रही है और मध्य प्रदेश में भी उसे लागू किया जाए। किस उद्देश्य को लेकर ज्ञापन दिया है? ज्ञापन अभी जो मौसम के कारण जो ओलावृष्टि हुई थी उसमें जिस तरह से विदिशा जिले के अंदर जैसे शमशाबाद क्षेत्र है, नटरन क्षेत्र है, सिरोंज क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में गांव-गांव में काफ़ी फसल का नुकसान हुआ है, तो उसको लेकर अभी हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश उपाध्यक्ष जी ने भी भ्रमण किया था 3 दिन पहले, तो उसी को लेकर हमने आज SDM महोदय को ज्ञापन दिया है कि मध्य प्रदेश सरकार जल्द से जल्द सर्वे कराकर उनको मुआवजा दे ताकि उनको राहत मिल सके। एक उद्देश्य ये था और दूसरा उद्देश्य हमारा 14 तारीख को माननीय लोकप्रिय दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी एवं पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री जी 14 मार्च को भोपाल में जनसभा संबोधित करेंगे। और जब बात विदिशा की करेंगे आपको, देखिए यहाँ पर जल संसाधन विभाग से स्वीकृत केसरी बैराज लागत 9,13,00,000 रुपए का भूमि पूजन गंजबासुदा ग्यारसपुर के यहाँ पर विधायक लीना जैन की तरफ से यहाँ पर संपन्न हुआ। आपको देखिए यहाँ पर आकाडोडा के यहाँ पर बटन नदी पर भी केसरी बैराज का भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया और ये केसरी बैराज ग्राम आकाडोडा में स्थित केवटन नदी पर बनेगा, जिसकी ऊंचाई लगभग 25 फीट और साथ ही लंबाई लगभग 350 फीट रहेगी। इस बैराज से यहाँ पर ग्राम आकाडोडा, छिपनी, खुरसैनी, खरपरी, फांचरोंद और कथरी, नेगमा, पिपरिया, सियारी सहित यहाँ पर कई गाँव के लोगों को इसका फायदा होगा। और चलिए बात अब उत्तर प्रदेश के बिजनौर की करेंगे आपको, तो देखिए यहाँ पर बिजनौर में इंडियन ऑयल की तरफ से यहाँ पर लॉन्च किए गए एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल को यहाँ पर सेल करने में बढ़ापुर के गंगा किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप के संचालक मनोज कुमार अग्रवाल ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। कंपनी के प्रति ईमानदारी ने और साथ ही निष्ठा से यहाँ पर काम कर एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल बेचने में यहाँ पर पूरी इंडिया के यहाँ पर अंदर तीसरा स्थान प्राप्त किया है और मनोज कुमार के यहाँ पर इस उपलब्धि पर सभी लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। दरअसल इंडियन ऑयल कंपनी की तरफ से किसानों के यहाँ पर वाहन और साथ ही डीजल से चलने वाले सभी वाहनों के यहाँ पर इंजन की सुरक्षा को लेकर एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल लॉन्च किया गया है और एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल लॉन्च होते ही यहाँ पर किसानों ने अपने वाहनों के इंजन की यहाँ पर सुरक्षा के लिए उसको यहाँ पर तेजी से खरीदना शुरू कर दिया है। मेरा नाम मनोज कुमार अग्रवाल है। जी 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 तो उसमें किस तरह से आपने मेहनत की, कौन से स्थान आपने प्राप्त किया? एक्चुअली मैं पिछले 2-2.5 साल से कंपनी एक्स्ट्रा ग्रीन करके ब्रांडेड डीजल का प्रमोशन कर रही है, जिसमें कि हमने पिछले साल से अपने आप इसमें हमारे सेल्स ऑफिसर विशाल कुमार जी ने और हमने दो मिल के इसको प्रमोट करने का वो करा। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, बाकी देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों को देखने और जानने के लिए देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।